मुअज्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अज़ाबे कब्र का ये वाक़िया इंतहाई इबरत अंगेज और दिल दहला देने वाला है। प्यारे दोस्तों, इसमें कुछ शक नहीं कि कब्र या तो बागाते जन्नत में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक घड़ा है। कब्र अल्लाह के राजों में से एक राज है और कब्र की असली हालत का पता तो साहबे कब्र के अलावा अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर बाज़ दफ़ा अल्लाह पाक अपने भटके हुए बंदों की हिदायत के लिए कब्र के अंदर के हालात की झलक जिंदा लोगों को भी दिखा देता है ताकि हम जैसे बंदे हिदायत पकड़े। प्यारे दोस्तों, ये वाकया भी कुछ इसी तरह का है कि जब एक बंदा जुमा के दिन अपने बाप की कब्र पर दुआ पढ़ने जाता है तो उसके साथ कब्रिस्तान में एक अजीब वाकया पेश आता है जो हम सब के लिए बाइसे इबरत भी है और हिदायत भी। चलिए देखते हैं कि इसके साथ क्या वाकया पेश आया। या अल्लाह, मेरे बाप को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। भाई तुम कौन हो? भाई आराम से, मैं गोरकन हूँ। यार भाई यार, उधर कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। चलो मेरे साथ, किसकी कब्र है? चलो 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 आओ। भाई ये कब्र इस बस्ती के एक अमीर शख्स की है। भाई ये कब्र का अजाब है। भाई इस बंदे के अपनी ज़िंदगी में क्या मामला थे कि इसको कब्र का अजाब हो रहा है? इसको अजाब इसलिए है, ये सूद का कारोबार करता था। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह पाक हमें सूद जैसी लानत से महफूज फरमाए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला के सूद के बारे में बड़े सख्त अहकाम हैं। कुरान मजीद की आयात की तफसीर कुछ इस तरह से है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सूद में से जो बाकी है छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। फिर अगर तुमने ये ना किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बड़ी जंग के ऐलान से आगाह हो जाओ, और अगर तौबा कर लो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे असल माल हैं, ना तुम जुल्म करोगे और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको सूद जैसी लानत से महफूज रखे। आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर दुआ में शामिल ज़रूर हों। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।